अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अभी हम आपको एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बड़ा ब्रांड जो कि यहाँ पर बहुत ही लैविश किस्म के वैश्य किस्म के ब्रांड मिलते हैं और बहुत महंगा स्टोर है। स्टोर तो पता नहीं उसमें क्या क्या मिलता है, देखेंगे हम भी, आप भी देखिए, लेकिन उसको जाना जाता है लिबर्टी लंदन के नाम से। जी, जिस नाम पर हमारा लिबर्टी मार्केट है, स्टोर शॉपिंग मॉल है, वो सारा वो नाम इधर से ही लिया गया। तो इसकी मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊंगा लिबर्टी की, और देखते हैं ये स्टोर कैसा है और एक्सप्लोर करते हैं, मेरे साथ आइएगा। जी, ये हम जा रहे हैं लिबर्टी लंदन की तरफ, और ये बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से देखें, ये कुछ और है शॉपिंग मॉल, ये सेंट्रल लंदन है, देखें, इंजॉय करें। और ये लंदन प्लाटिनियम, इधर इस तरफ आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं मेरे, और सामने आपको नज़र आ गया होगा लिबर्टी लिखा हुआ, लिबर्टी लंदन। जी फ्रेंड्स, ये सामने बिल्डिंग देख लें, लिबर्टी डिपार्टमेंटल स्टोर, ये देखिए। तो ये 1875 से ये स्टोर चल रहा है, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये उसके थोड़ा सा बाद बनाई गई थी, जिसके साथ मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। ऑर्थर लिबर्टी एक बंदा था जिसने ये 1875 में ये स्टोर ओपन किया, और उसने अपने फादर इन लॉ जो उसका होने वाला था सुसर, उससे 2000 पाउंड उधार लिए, और ये काम स्टार्ट करने के लिए उसने जो है, अब आप देख लीजिए क्लोज व्यू। अच्छा जी, उसने 2000 पाउंड लेकर जो है ना ये शॉप शुरू की, और उसका मोटिव था कि मैंने जो है ना एक रिक्रिएट करना है शॉपिंग को, शॉपिंग ट्रेंड्स चेंज करने, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ, और आज इसमें जो है ना दुनिया के बेहतरीन ऑर्नामेंट्स और फैब्रिक्स मिलते हैं आपको, वर्ल्ड रेंज मिलती है, ये उनका कहना है। तो हमने अंदर जाके देखना मिलता क्या, ठीक है। और उसके मुताबिक जो है ना उसने एक बात की थी, कि लिबर्टी इज़ अ चोजन रिजॉर्ट फॉर द आर्टिस्टिक शॉपर्स, मतलब कि वो एक ऐसी जगह है जिसमें आर्टिस्टिक जो है ना जो लोग ख़रीदार हैं वो आते हैं। तो इसका मतलब है मैं और आप जो है ना आर्टिस्टिक नहीं है, तो ये तो एक बात साबित हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्या फैक्ट्स हैं? अच्छा, जब उसने ये बाय स्टोर शुरू करना था, 2000 पाउंड लेकर उसने जो है ना रेजेंट स्ट्रीट पर ये बिल्डिंग ली, और इसके बाद इसको जो है ना 1922 में ये 34,000 क्यूबिक फिट इसमें टिम्बर यूज़ हुआ, ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बनी थी, और इसको 198,000 पाउंड्स उन्होंने जो है इसको लेकर 1922 में कम्प्लीट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इसका जो फाउंडर था आर्थर लिबर्टी, वो इस बिल्डिंग की कम्प्लीशन से 7 साल पहले उसकी डेथ हो गई। आज ये बिल्डिंग जो मेरे पीछे देख रहे हैं लिस्टेड हेरिटेज आइकॉन है लंदन का, ये लिस्टेड है और एक फेमस बिल्डिंग है, आइकॉनिक बिल्डिंग है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आपको यहाँ पर क्या क्या मिलता है, और मैं भी खुद ही देखूँगा, फ़र्स्ट टाइम देखना। जैसे ये इसका मेन एंट्रेंस है, ये इसका फ्रंट है, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। और इसकी अगर मैं बात करूँ ये छोटे से पर्स की, ये देखें, ये मेरे हाथ जितना भी नहीं है, 125 पाउंड। गेट्स 800 पाउंड का है, सॉरी 800 पाउंड का, ये ब्लैक पर्स है, बिल्कुल छोटा, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लें इससे आगे के प्राइसेस का क्या रेंज होगा। जी, ये सूट केस है हैंड करी, ये 350 पाउंड का। ये आगे कॉस्मेटिक्स सेक्शन है, बड़ी ज़बरदस्त इसमें खुशबुएँ आ रही हैं, सारी कॉस्मेटिक्स हैं यहाँ पर, परफ्यूम्स हैं। ऊपर चलते हैं, ऊपर भी 2-3 फ्लोर्स हैं, सारे देखते हैं। ये ज्वेलरी शॉप और ज्वेलरी शॉप देख रहे हैं कि आप, ये 215 पाउंड की है जी, छोटी सी अंगूठी।
ये कोई चांदी है वो नहीं है, सिंपल अंगूठी है। और इसी तरह मारिया टैश कोई ब्रांड है, ये उनकी एक साइड पे स्टोर है। क्या वो इतनी वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होती इन जगहों पे, लिमिटेड होता है स्टॉक, लिमिटेड इसकी। ये शर्ट 175 पाउंड्स की है, अब आप लोग आ लें अंदाज़ा। ये देखें जी, 380 पाउंड का ये कोट है, अब आप 380 पाउंड लेते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा। और चीज़ें अच्छी भी होंगी नो डाउट, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, डिफरेंट तो हैं बाकी स्टफ जो है ना, वैरायटी डिफरेंट वैरायटी है। प्राइसेस अब जिसको भी जिसकी पहुंच में आती हैं वो ख़रीद लेता है। ऊपर जी ये लेडी स्टफ है सारा, देख लें ये लेडीज़ की वैरायटी भी है, जेंट्स की भी है। तो अब कितनी महंगी है इसको किसी एक चीज़ पर प्राइस चेक करनी पड़ेगी। ये 975 का ये जो पजामा सा है, और ये जो है 2085 पाउंड्स। ये देख लें दो चीज़ें, बाकी भी आपको समझ आ गई प्राइस रेंज की। आम हल्का फुल्का क्लॉथ भी यहाँ पर जो है ना पाकिस्तानी रुपीज़ में बहुत महंगा पड़ता है। ये जी ये वो स्ट्रीट है जहाँ से ये मरियम नवाज शरीफ उसके बच्चे ये यहाँ से शॉपिंग करते हैं, और उनका घर भी करीब ही है। तो लोग करते हैं भाई, जिनके पास अन्ना पैसा है वो करते हैं। ऊपर भी वुमेन वेयर है, तो इससे ऊपर जाने का मुझे नहीं लग रहा कोई फ़ायदा है। टॉप पे कारपेट्स, रग्स, फर्निशिंग है, और होम एक्सेसरीज उधर चलते हैं। ये हम आ गए आखिरी ऊपर टॉप फ्लोर पे। तो सुना था यहाँ पे बड़ी महंगी चीज़ें हैं, बड़े ऑर्नामेंट्स हैं दुनिया के बेहतरीन किस्म के। तो ये सीधा से सस्ता सा चीज़ है 34 पाउंड की, कोई इतनी अच्छी लग भी नहीं रही शक्ल से। तो एवरेज माल भी रखा हुआ है। ये देखें कितना खूबसूरत, बाकी तो ठीक है लेकिन ये साइड का अपने मज़े है। ये ऑर्नामेंट्स आ गए जी 1875 का, ये बहुत मट्टी का बना हुआ जी। तो आप देख लें ये ऑर्नामेंट्स हैं, जो ये जो है पीके में चप्पल गायब हो गई थी उसकी, ये वो लग रही है यहाँ पर लाग रखी है पीके मूवी में, ठीक हो गया जी। ये बेल 95 पाउंड की है, ये हाथी जो है लकड़ी का 165 का। तो इंडियन मेड चीज़ें हैं, इससे पता चल रहा है ये सारा यहाँ पर इस सेक्शन में। रग्स की प्राइस देखें 2400 पाउंड का जी, ये दरी है, अब पाकिस्तान में ये 2400 पाउंड और अगर 6.5 लाख पाउंड रुपीज़ का बन गया जी ये टोटल। पाकिस्तान में आप देख सकते कितने का मिल जाएगा। इसी तरह ये बड़े रग्स हैं, इनकी प्राइस भी थाउजेंड में होगी, 5000 पाउंड से कम नहीं होगी। ये चीज़ें हैं सारी, स्टोर कैसा लगा आपको? बस डिज़ाइनिंग डाली हुई है चीज़ें, अक्सर आपको पता है वर्ल्ड इज़ नाउ अ ग्लोबल विलेज, तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। कुछ भी चीज़ दुनिया में बैठ के कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, उसमें आपको कोई उनका इशू नहीं है। ये नीचे से आप देखें, सबसे टॉप से नीचे ये फ्लोर्स हैं सारे। ये टॉप फ्लोर है जिसके ऊपर छत है, तो ये सारी जो टिम्बर से बनी हुई है, शुरू में बताया 24,000 क्यूबिक फीट टिम्बर इस पर लगा। फ्रेंड्स हम जा रहे बाहर, ये बिल्कुल एंट्री पे इनकी फ्लावर शॉप है, तो बताइएगा अपना कमेंट्स में।
ये हेरिटेज कैसा लगा लंदन का, और इसमें आइकॉनिक बिल्डिंग कैसी लगी, और इसमें ब्रांड्स जो हैं वो कैसे लगे? मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।